हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KLD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। दोस्तों, तो इल मछली, दोस्तों इल मछली यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, इलियम किसका भाग है? दोस्तों, इलियम किसका भाग है? दोस्तों, तो क्या बताएंगे हम? हमारे पास दोस्तों चार ऑप्शन है, जल्दी कमेंट कीजिए। इलियम किसका भाग है? दोस्तों, तो ये हमारा भाग है छोटी आंत का। किसका दोस्तों? छोटी आंत का हमारा भाग है, इलियम भाग है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? दोस्तों, तो इनमें से कौन सा है जो कीट नहीं है? दोस्तों, तो तिलचट्टा भी कीट है, तितली भी कीट है, दोस्तों मच्छर भी कीट है। तो हमारी जो मकड़ी होती है ये कीट नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, मकड़ी हमारी कीट नहीं होती है। दोस्तों, अगला देख लेते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, जो विटामिन बी और सी होती है ये जल में घुलनशील होती है, बाकी जो चार हैं ई डी के और ए, ई डी के ये हमारे वसा में घुलनशील है। दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास दो क्वेश्चन बनता है, पहला कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। दोस्तों, तो जल की बात कहेगा दोस्तों, तो जल में हमारा बी और सी घुलनशील है, बाकी जो बच्चे चारों ई डी के ए ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? दोस्तों, तो कौन सा इसमें मछली नहीं है? दोस्तों, तो कौन सा मछली नहीं है? दोस्तों, तो ये हमारा जो कह रहा है स्टार फिश, क्या है? स्टार फिश, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी स्टार फिश मछली नहीं है। दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? दोस्तों, दोस्तों ये कह रहा है कि जब हम लंबी समय तक कसरत करते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, तो ये एनर्जी प्राप्त होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, तो दोस्तों जितने लोग प्रोटीन मारेंगे दोस्तों ये गलत होगा, प्रोटीन तो बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, प्रोटीन तो होने वाला नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्यूक एनर्जी है। दोस्तों, तो बसा हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? बसा, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक कसरत करते हैं तो ईंधन के रूप में कार्य करता है दोस्तों, वसा करता है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, और कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि एथलीट को दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तुरंत शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान किया जाता है, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। दोस्तों, अगला देखते हैं, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? दोस्तों ये कह रहा है कि जब कभी भी हमारे आंख में जब धूल पड़ जाती है दोस्तों, तो आंख का कौन सा ऐसा भाग होता है जो लाल होकर फूल जाता है? दोस्तों, यानी सूजकर लाल हो जाता है, तो कौन सा है? दोस्तों, तो ये हमारा दृढ़ पटल है। दोस्तों, कौन सा है? दृढ़ पटल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगला देख लेते हैं, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? दोस्तों, मतलब चिकन पॉक्स या छोटी माता, कि पहली बात तो छोटी माता को हम चिकन पॉक्स कहते हैं, अगर छोटी माता को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चिकन पॉक्स कहते हैं। और पूछेगा ये कहाँ से उत्पन्न होती है? दोस्तों, तो ये बैरियोला विषाणु होते हैं। दोस्तों, एक बैरियोला विषाणु होते हैं जिसके कारण से चिकन पॉक्स से छोटी माता उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? दोस्तों पहली बात पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा तो इसका सीधे संबंध होता है उत्पादक और उपभोक्ता से। दोस्तों, किससे? उत्पादक और उपभोक्ता से, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती? दोस्तों, तो वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती? दोस्तों, तो ये हमारी निमोनिया जो होती है ये वायु प्रदूषण की वजह से नहीं होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, जो निमोनिया होती है ये वायु प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? दोस्तों, ये कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? दोस्तों,
तो समुद्रीय परितंत्र इसमें भी पाई जाती है, सरोवर परितंत्र इसमें भी पाई जाती है, वन परितंत्र इसमें भी, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खाद्य श्रृंखला पाई जाती है उपयुक्त सभी में दोस्तों। अगला देखते हैं, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त होती है दोस्तों। अफीम क्या दोस्तों? एक पौधे की उपज है। पहली बात तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अफीम एक उपज है, किसकी उपज है दोस्तों? तो पौधे की उपज है। अब पौधे के किस भाग का है दोस्तों? तो ये फूल का है। किसका दोस्तों? फूल का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अफीम पीने वाले क्या होते हैं दोस्तों? मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं, मतलब अपना जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसा कुछ होता है। अफीम पीने वाले मूर्ख होते हैं, यानी फूल होते हैं दोस्तों। फूल मीन्स क्या होता है? मूर्ख होता है। तो यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, इसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून यानी नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून लागू किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों? मधुमक्खी किसके प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है, मधुमक्खी पालन में ही मधुमक्खी का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, मधुमक्खी पालन में ही मधुमक्खी का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं दोस्तों। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं दोस्तों? तो स्तनधारी यूरिया बनाते हैं दोस्तों, किस भाग में यूरिया बनाते हैं? तो लीवर यानी यकृत में दोस्तों। कहाँ पर? लीवर यानी यकृत में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लीवर या यकृत में दोस्तों हमारे यूरिया बनाते हैं स्तनधारी। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल उत्पादप है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जल पादप की बात कर रही है दोस्तों। जल पादप यानी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है दोस्तों। तो जल पादप कौन सा है दोस्तों? तो जल यहाँ भी लिखा है और यहाँ पे वाटर लिखा, तो ये वाटर नहीं मारना दोस्तों, हमें मारना है जल हायसिंथ पुष्प। कौन सा? जल हायसिंथ पुष्प, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। देखना कि क्वेश्चन में भी जल कहा और आंसर में भी जल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, बैक्टीरिया की वृद्धि। पहली बात तो जान लीजिए कि जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं। कि वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? वृद्धि मतलब वृद्धि मापी की बात कर दिया दोस्तों। बैक्टीरिया की वृद्धि मापते हैं वृद्धि मापी द्वारा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हो सकती है दोस्तों? दोस्तों कह रहा है कि अगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तो कौन सी समस्या पैदा हो सकती है दोस्तों? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जनसंख्या बढ़ने से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सही बात है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो ग्लोबल वार्मिंग जाहिर सी बात होना है। प्रदूषण स्तर में वृद्धि होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो प्रदूषण तो जाहिर सी बात है होगा दोस्तों, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे दोस्तों। तो किसकी वजह से सभी पशु मर जाएंगे दोस्तों? तो दोस्तों भोजन और ऑक्सीजन दोस्तों। विश्व के सभी पेड़ पौधे अगर मर जाएंगे दोस्तों तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा और हम खाना कहाँ से खाएंगे दोस्तों? दोस्तों क्योंकि ये चावल चावल की ये भी खेती होती है, तो ये भी पौधे ही तो होते हैं दोस्तों। तो भोजन भी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, और ऑक्सीजन भी हो जाएगा दोस्तों, यानी बी और सी दोनों से हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों से हो जाएगा दोस्तों। सभी पादप की बात कर दिया दोस्तों, यानी छोटे बड़े सभी, मतलब अगर ये जिनसे हम अनाज उगाते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे दोस्तों, तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? और जब ये बड़े बड़े पेड़ पौधे जैसे आम महुआ ये सब हो गया दोस्तों, और ये सब मर जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सी दोनों हो जाएगा। फलों के मीठे स्वाद का कारण है दोस्तों, तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है दोस्तों फैसे फल फैसे फ्रैक्टोज दोस्तों। क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज।
फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रैक्टोज। फैसे फल, फैसे फ्रैक्टोज, इसको हम ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। फैसे फल होता है और फैसे फ्रैक्टोज होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों, अभी पिछली क्वेश्चन में कहा था दोस्तों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो किसमें होता है, गाजर में होता है दोस्तों, किसमें, गाजर में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और विटामिन सी होता है नींबू और आंवला में दोस्तों, किसमें, नींबू और आंवला में दोस्तों। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है दोस्तों, तो हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से, किससे दोस्तों, उत्सर्जन से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, मशरूम क्या है दोस्तों, तो मशरूम एक प्रकार का क्या है, कवक है या फंगस दोस्तों, क्या है, मशरूम एक प्रकार का कवक या फंगस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से किसका संबंध ब्रिक के अवस्था के साथ है दोस्तों, दोस्तों हमें पता है ब्रिक का क्या होता है दोस्तों, डायलिसिस होता है दोस्तों, ब्रिक का क्या होता है, डायलिसिस होता है, यानी अपोहन जिसे कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ब्रिक का ही डायलिसिस होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला कह रहा दोस्तों, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है दोस्तों, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के नाम से जाना था दोस्तों, तो ये हमारा अग्नाशय है, क्या दोस्तों, अग्नाशय, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी अग्नाशय को अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार की शारीरिक प्लान पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे, तो जोंक यानी लीच में दोस्तों, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार के शारीरिक प्लान पाया जाता है दोस्तों, जोंक के अंदर, जो जाहिर सी बात है तालाब में रहते हैं दोस्तों। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है दोस्तों, तो तालाब में उल्टा है, किसमें दोस्तों, तालाब में उल्टा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला, जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, तो उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, तो अंतर्जीवी, यानी एंटेरोजोआ, एंटेरोजोआ के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा, एंटेरोजोआ। अगला दोस्तों, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है दोस्तों, बीज का अंकुरण कब होता है दोस्तों, बीज के अंकुरण का मेन कारण होता है दोस्तों जल होता है, क्या होता है, जल होता है दोस्तों, बिना जल के हमारे बीज क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है दोस्तों, तो बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा दोस्तों, पित्त है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिना एंजाइम वाला पाचक रस क्या है, पित्त है। अगला देखते हैं, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण हमारा होता है पादपों के हरे भागों में दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहीं पर संपन्न होती है जहां पर पौधे हरे होते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगे और कहीं ना कहीं लगे कि ये सारे क्वेश्चन सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने का चांस दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।